आदि डिवोर्सेस की जो रीजन बनती है वो हस्बैंड और वाइफ के खालिद अपने आपस के म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। यकीन जाने कि ये जो वो घरों में सास और नंद और लड़की के मैके की साइड से जी तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, ये छोटे छोटे रीजंस जो हैं ये फिर बड़ी बड़ी रीजंस में चेंज होते हैं। इंडिपेंडेंट औरत होने का मेरी तरह या पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ सर चढ़ के नाचने लग जाऊँ, वो अनएथिकल है। जिन जिन लोगों ने ये किया है वो सिर्फ आज अपने आप से, मुझे और आपसे ना पूछें ना हमारी इस पॉडकास्ट से जवाब तलब करें, वो सिर्फ इतना अपने आप से जवाब मांगें कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा हुआ। बेस्ट पेरेंट अगर मैं डिक्लेयर हुई तो इसलिए डिक्लेयर हुई कि मेरे बेटे जब स्कूल जाते थे तो उनका लंच बॉक्स बेहतरीन लंच बॉक्स हुआ करता था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सोशल इश्यूज़ पर अपना इनपुट देती हैं, अपनी राय देती हैं और लोगों को मशवरे देती हैं। मेरे साथ हैं गुलसाना मंशा। गुलसाना, खुश आमदीद पॉडकास्ट में जी। थैंक यू खालिद, पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हो और हमारी गुफ्तगू हमेशा एक लेवल पकड़ती है। तो लेट्स होप कि आज की जो हम गुफ्तगू करें वो किसी तरफ लगे और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए फ्रूटफुल हो जाए और अगर कोई सीख ले तो अच्छी बात है। गुलसाना, सेंस के आपकी पर्सनालिटी एक वर्सटाइल है और आपकी एक्सपर्ट ही, अब देखें आपसे हम एजुकेशन काउंसलिंग पे बात कर सकते हैं, आपसे हम पेरेंटिंग पे बात कर सकते हैं, सोशल इश्यूज़ पे आप माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू कर रही हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपसे आज के इस पॉडकास्ट में सोसाइटी के मुख्तलिफ जो हमारे इश्यूज़ हैं उन पे बात करूँगा और सबसे पहले तो जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये फरमाइए कि ये जो एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम है और एक कैम्ब्रिज, अच्छा कैम्ब्रिज में भी मैंने पेरेंट्स को देखा है बड़े रुलते हुए, बारी फीसें लेते हुए, और आपका तारुफ़ जैसे कि आप एक बहुत मारूफ तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं, एक अरसे से पढ़ा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि दोनों एजुकेशन का जो इनपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है? फ़र्क तो है। अच्छा, फ़र्क बिल्कुल है खालिद। ज़ाहरी बात है जो आपका मैट्रिक सिस्टम है वो जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो सोसाइटी की नीड्स को मीट करने की किसी हद तक तो डेफिनेटली वो कर लेते हैं, या मेट्रिकुलेशन के सिस्टम से निकले हुए ऐसे बच्चे जिनके अपने फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो आपके मेट्रिकुलेशन करके निकलते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके सोसाइटी के अंदर जो डीलिंग की मेथडोलॉजी है उसमें कॉन्फिडेंस जिसे आप कह लो, ठीक है, वो डेफिनेटली कम होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैम्ब्रिज के बच्चे जो हैं, जो आपके बच्चे वो लेवल्स ए लेवल्स करते हैं, चूँकि उनका मीडियम कम्प्लीटली इंग्लिश रहता है, उनके टीचर्स भी डेफिनेटली नॉट ओनली हाईली पेड बट ऑल्सो यू कैन कॉल इट वेरी वेल क्वालिफाइड, एंड उनके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिर ओ ए लेवल्स के बीच में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा जोर होता है जितना वो, जबकि आपने देखा होगा कि जो मैट्रिक कर रहे होते हैं बच्चे उनको दिन रात अपने टेस्ट्स और एग्जाम्स की ज़रूरत पड़ी रहती है। क्या सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत जो है और अपनी अभी अपनी गुफ्तगू में कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, क्या यही काफ़ी है? अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का जो सिलेबस है वो तो सेम ही होता। हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स आप मैट्रिक में पढ़ते हैं वो आप कैम्ब्रिज में भी आपके पास अवेलेबल है। तो बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क यही है कि डेफिनेटली उस सिस्टम के बीच में बच्चों का एक तो जिसे कहते हैं ना खालिद, माशरे में एक हवा उड़ जाती है कि अच्छा जी हमने वो लेवल्स किया हुआ है, ये लेवल्स किया हुआ है, तो एक तो वो ऑटोमेटिक सा कॉन्फिडेंस है, नफ्सियाती वो उन्हें लगता है कि हम बर्तर हैं एज़ कम्पेयर टू द मेट्रिकुलेशन वाले बच्चे। एक्चुअल सूरत हाल में भी यही है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है बच्चों के ऊपर,
जो मैट्रिक वाले बच्चे अभी मैंने आपको बताया दे आर ऑल द टाइम इन टू द क्लासरूम्स विद द बुक्स एंड रोट लर्निंग्स के ऊपर, रट्टा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है. जबकि जो ए लेवल्स वाला बच्चा या ओ लेवल्स वाला बच्चा, उसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए बेहतर हैं कि उसको ये पता है कि अगर मेरी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होगी तो ही मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा. और ओ ए लेवल्स के बीच में ये तासर है कि जी आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, ठीक है, स्किल बेस्ड लर्निंग सिस्टम है. तो बच्चे के अपने स्किल्स अगर अच्छे होंगे, चाहे वो लैंग्वेज स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो उसके राइटिंग स्किल्स हैं, इफ़ ही इज़ गुड एट इट ओनली देन ही विल बी एबल टू कोप एंड यू नो पास द एग्जाम फॉर द कैम्ब्रिज सिस्टम. सो यस, वो स्किल बेस्ड होने की वजह से भी एक कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली आ जाता है. और ट्रैजिकली मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो माशरे में जब फिर प्रोफेशनल लाइफ में बच्चे जाते हैं तो हम जब रिक्रूट कर रहे होते हैं लोगों को, तो अब तो मैंने देखा है कि जो मालिक होते हैं कंपनीज़ के या स्कूलों के जो ओनर्स हैं वो साफ बोल देते हैं कि जो रिक्रूट करते वक्त आपने ये ज़रूर देखना है कि अगर लड़की या लड़के को अगर आप हायर कर रहे हैं अपनी इस जॉब के लिए तो शी शुड हैव द बेसिक्स शुड बी ओ आर ए लेवल्स नॉट मैट्रिकुलेशन. सो इट हैज बिकम अ क्राइटेरिया. हाँ, सफ़ेद पोश तबका है, उसके लिए क्या हल है, क्या ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ? वो अगर अपने बच्चे को ओ लेवल या ए लेवल करवाते हैं तो वो क्या कम फीसों वाले स्कूल्स भी हैं? बिल्कुल हैं. अब तो ओ ए लेवल्स तकरीबन जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है. मतलब देखिए, अगर हम बीकन हाउस की बात करें तो बीकन हाउस ने अपना ही एक सिस्टम एजुकेटर्स के नाम से, देखिए बीकन हाउस की भी जो या अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बीकन हाउस को उठाएं तो बीकन हाउस का जो सबसे टॉप क्लास स्कूल है दैट इज़ कॉल्ड TNS, वहाँ पे जो फी आपके स्ट्रक्चर है वो हंड्रेड थाउजेंड्स में जाता है, ठीक है, 100,000 प्लस पे जाता है. फिर उसके बाद आपका न्यू लैंड्स आ जाता है, वो आपकी हाई क्लास के लिए है. फिर आपकी जो मीडियोकर क्लास है वो बीकन हाउस में भेजती है बच्चे अपने, और बीकन हाउस के बाद जो लोअर मिडिल क्लास है वो भेज रही है अपने बच्चे एजुकेटर्स में, और वो ओ ए लेवल्स सब करा रहे हैं, सब करा रहे हैं. आप सजेस्ट करती हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल की तरफ लाना चाहिए? देखें खालिद, अब तो जो 2023 ईयर के बाद मैं जगह जगह बैठ के ये बात कह रही हूँ कि 2023 के बाद दुनिया की हिस्ट्री की, एजुकेशन की हिस्ट्री के बीच में एक इनकलाब आ गया है AI के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से. आपका कैम्ब्रिज, आपकी मैट्रिकुलेशन सब ज़ीरो पे जा रहे हैं. या आपकी और मेरी गलत फहमी है कि अगर हम बच्चों को इन सिस्टम्स में रखेंगे तो हमारे बच्चे सक्सेसफुली कल को माशरे के बीच में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्म कर सकेंगे? नो, इट्स अ स्ट्रेट नो टू नाउ इवन दिस कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम. Whether you call it the Cambridge, whether you call it matriculation, whether you even call, अब तो डिक्सल पियर्सन के नाम से AI based system English mediums ने उठा लिया. रेहान अल्लाह वाला ने जो curriculum launch कर दिया पाकिस्तान के अंदर, एक historic step उस बंदे ने ले लिया है कि उसने अपना एक करंगी में छोटा सा school खोल दिया, total AI based, वहाँ कोई curriculum नहीं है, और उसके बच्चे 3 से 4 साल के बीच में इतने इक्विप हो जाएंगे कि वो अपने पैसे कमाने लगेंगे. लेकिन एनी हाउ बच्चों को डिग्री तो चाहिए होगी, वो किसी ना किसी सिस्टम में. अच्छा, उसमें भी मैं आपको बता दूं, जो करिकुलम रेहान अल्लाह वाला या जिसको अब मैं समझती हूँ कि दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान नाउ, उसके बीच में अगर आप जैसे ये कर रहे हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स, इसके मुकाबले में कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म डिग्रीज पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुकी हैं GD के नाम से, ठीक है, और वो अगर आप कर लेते हैं तो वो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स. और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो जब आप उसको बोल करते हैं, उस एजुकेशन को, उस डिग्री को, उस डिप्लोमा को लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है. आप उसको जाके सर्च करें GD के नाम से. हाँ, तो ये करिकुलम का हिस्सा है उनके.
गुलशाना बातें लिखना ही मौसु की तरह। अच्छा मैंने कहा आपके वर्कर्स से कुछ एजुकेशन पे बात कर लीजिए छोटा सा। हाँ, ये हाँ, भी एक सोशल हमारा इशू है। पेरेंट्स जो ही बच्चे मतलब 8 क्लास में जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए यही सोच विचार चल रही होती है। गुलशाना आप खुद वर्किंग वुमेन है, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की, वेरी इम्पोर्टेंट, बच्चों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी कैरेक्टर साजी में, उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बैलेंस रखने में, उसको परवान चढ़ाने में, बिल्कुल। तो वर्किंग वुमेन जो है वो ये सारा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती खालिद? मल्टीटास्किंग जो है वो मेरा ख्याल है एशियन वुमेन जो हैं जितनी अच्छी मल्टी टास्कर्स वो साबित हुई हैं। ये आपकी तो जो इस तरफ थी। हाँ मेरे ना कोई मुझे लगता है जब वो कैमरे बंद है ना अच्छा तो इसको आप अभी रिकॉर्ड ना कीजिएगा। मेरे हाथ की ना शायद स्किन उस वक्त छिली जब वो मेरा ख्याल है गाड़ी में से मैं निकली हूँ या क्या हुआ। अच्छा। तो नाउ आई एम डन। ओके हाँ मेरा ध्यान तो इस तरफ चला गया था। जी गुलशाना मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी सोसाइटी में खास तौर पे माँ का रोल है बच्चों के प्रोटेक्ट में, उनकी कैरेक्टर साजी में, उनके करियर काउंसलिंग में और उनके यहाँ एक खास फिकर को परवान चढ़ाने, खुसूसन उनकी जो हम कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस उसको बैलेंस रखने में, उसको बढ़ाने में। तो जो एक आम आदमी का ख्याल है, इवन मेरा भी ये ख्याल है कि एक माँ को इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है उसको फ्री होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री ऑफ माइंड। एक वर्किंग वूमेन ये सारी जो ड्यूटीज हैं कैसे निभा सकती? क्यों नहीं निभा सकती खालिद? देखिए एक सोच के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक जो एशियन वेमेन हैं जो एशिया के बीच में खवातीन हैं इनसे ज़्यादा अच्छे मल्टीटास्किंग पूरी दुनिया में औरतें नहीं कर पाती। तो हमारे माशरे की औरत जो है ये तो बड़ी सख्त जान है, बहुत सख्त जान है। और ये एक वक्त में आप गांव की सिर्फ, आप अभी बोल रहे हो कि जो मदर्स हैं आप सिर्फ गांव की माओं को देख लो, जो वो सुबह तड़के उठती हैं और उठ के उन्होंने वो अपने वो गाय भैंसों को भी सारा डील करना होता है। हाँ जॉब कर रही है, ठीक है। अच्छा और अगर आपके गांव की औरत इतना काम कर सकती है तो आपकी जो सिटी की औरत है वो तो बहुत कमाल कर सकती है, ठीक है। अच्छा देखें हाँ स्पेसिफिक एक्शंस बता सकती हैं कि क्या? देखो एक तो अपने आप को फोकस्ड रखना, मैं खुद एक वर्किंग मदर रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, यानी मेरे करियर के दौरान ही मेरे बच्चों की पैदाइश भी हुई। और एक तो जो आजकल के ये जो नई माएँ हैं, ये जो अभी अभी ताज़ी ताज़ी माएँ बन रही हैं उनके अंदर एक जो रवैया मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहा है जो शायद इस मसले का के बीच में और प्रॉब्लम कर जाए, वो ये है कि वो बहुत नाजुक मिजाज जिस्म के हवाले से बनती जा रही हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। वो तो घर में तो काम वालियाँ घर घर में काम वालियाँ क्यों लगवाई हुई हैं? आप मल्टीटास्किंग करें। मैंने सारी ज़िंदगी अगर हाउस हेल्प्स रखी भी हैं, ठीक है, मेरे भी घर में हाउस हेल्प्स थी, लेकिन हमारे घर की कुकिंग, हम खाना खुद, बच्चों के नाश्ते, यानी बेस्ट पेरेंट अगर अब मैं डिक्लेयर हुई तो इसलिए डिक्लेयर हुई कि मेरे बेटे जब स्कूल जाते थे तो उनका लंच बॉक्स बेहतरीन लंच बॉक्स हुआ करता था, उनका बिल्कुल होममेड लंच हम देते थे, उनके कपड़े बकायदा हम खुद मैचिंग करके ख़रीद के लेके आते थे, उनके बैग्स हम खुद मतलब टेक केयर कर रहे होते थे, फिर बच्चे की पढ़ाई को भी करवाना। अब आप कहेंगे कि जी हमारे यहाँ तो जो माँ बनती हैं, हमारे जो लड़कियाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन किया होता है, एफ ए किया होता है, माँ बाप कहते हैं चलो जी ब्याह करो तो अपने अपने कार जाओ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो माँ खुद अपने बच्चे के साथ अलिफ बे के कायदे के साथ 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 पढ़ना शुरू करे और उसको पढ़ाएगी तो उसके अपने नॉलेज में, मैंने अपने बेटे को ओ लेवल्स वो करा था और उसने बिजनेस स्टडीज़ रख ली, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ी थी,
आप यकीन जानो खालिद कि मैंने क्या किया करती थी मैं, कि जॉब से आने के बाद भी जब सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते थे और बच्चों को भी मैं देख लेती थी, और जब बच्चे अपना टीवी वगैरह देखने बैठ जाते होते थे, तो मैं मूसा की जो बुक होती थी ना, उसको बैठ के तो उसके चैप्टर को पढ़ती थी। और आज मैंने किसी एचआर के बीच में मैं कोई एक ट्रेनिंग सेशन कर रही थी, तो आप यकीन जानो कि वो जो मैंने अपने बेटे को पढ़ाया हुआ था, वो पूरी की पूरी थ्योरी उठा के मैंने वो एचआर की ट्रेनिंग के बीच में यूज़ की। हालांकि मैंने एचआर की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन ली नहीं हुई है। तो आप कर सकते हैं जी। दूसरी एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं दे सकती हूँ, जो मैंने किया और जो हमारी मदर ने भी किया था, मेरी अपनी वालदा जो थी शी वॉज अ वर्किंग पर्सन, तो डेफिनेटली उन्होंने हमारे साथ, जो आपके घर के अफराद हैं, अगर आप उनको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे क्यों नहीं हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं उनसे हाउस चोर्स, घरों घर के काम करना सिखाई है बच्चों को, अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, ताकि वो बोझ जो टोटल माँ के ऊपर पड़ा हुआ है वो वहाँ डिवाइड हो जाए। फिर अपने हस्बैंड को इतना कॉन्फिडेंस में लीजिए कि वो भी अगर थक के आते हैं और आप भी वर्किंग लेडी हैं, तो आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहाँ आप घर पे आ रहे हैं तो आप घर पे भी मिल के फटाफट घर के काम को समेटें और एक अच्छी टीम की तरह, ताकि आप लोगों के पास फिर फ्री टाइम भी हो। फिर जब आप लाउंज में बैठे तो आप सब बैठे हों, ये ना हो कि जी अब्बा जी बैठे ने, बच्चे बैठे ने, तो अम्मा जी जड़े ने वो पता लग गया कि हली भी जड़ी है ना और आधी रोटी पकड़ वाली रह गई है। सो यू हैव टू मेक टीम्स एट योर होम, यू हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, और टीम बिल्डिंग की जो ट्रेनिंग है वो आपको अपने बच्चों को घर के अंदर से देनी पड़ती है। वो एक माँ नहीं देगी, तो वो चाहे वर्किंग मदर नहीं भी होगी ना, अगर वो सिर्फ हाउसवाइफ है, तब भी उसके लिए खालिद बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप देख रहे हो माँ की फ्रस्ट्रेशन कहाँ जा रही है, फिर वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान अब बढ़ रहा है माशरे का, वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हमें दिखाई दे रही है। वो क्या वजह है उसकी? यही है कि सारा दा सारा स्यापा तुसी उस औरत दे सिर ते पाया है, ठीक है, और असल में प्रॉब्लम उस औरत के खुद के साथ है कि अगर घरेलू टास्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एक खातून के पास, शादीशुदा के पास, तो वो एस्केप के तौर पे, एस्केप के तौर पे ऑफ कोर्स वो कहती है कि मुझे भी आजादी चाहिए, और आजादी को डिफाइन तो आप आदमियों ने खुद इस अंदाज में कर दिया है ना, ये आजादी तो नहीं, ये आजादी, ये तो आपकी वो एक जो रोमानवी या जिंसी जो आपकी बिल्कुल ख्वाहिश है उसकी तस्कीन है। अच्छा, अब देखें, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा और बड़ा बोल्ड टॉपिक है जिसके ऊपर मैं और आप निकल चले हैं, लेकिन बहरहाल इस बात के ऊपर बात करना ज़रूरी है। हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये है, हम जगह जगह बैठ के कह देते हैं कि जी सियासत के ऊपर भी बात ना करें, तो आज देख लें, देखें आप कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा सियासतदान पाकिस्तान 76 ईयर्स में प्रोड्यूस नहीं कर सका, क्योंकि सियासत के ऊपर बात ही नहीं करने दी जाती। फिर उसके बाद मज़हब के ऊपर बात ना करें जी कहीं बैठ के, कि इख्तलाफ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आज दिन तक आप देखें कि हमारे मज़हब के क्या हालात हुए पड़े हैं मुल्क के अंदर। हर बंदा अपनी चेंज की अलग मस्जिद बना के बैठा है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर जी रहे हैं। मौलवी है वो कहते हैं हम ठीक हैं, सूफीज़ हैं वो कहते हैं हम ठीक हैं, फ़िरके जो बटे हुए हैं वो सब अपने अपने मज़हब के ऊपर बात, जब तक हम इन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू नहीं करेंगे और एजुकेटेड लोग नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। कोई मजहबी रहनुमा हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, लीडरशिप हम प्रोड्यूस नहीं कर सके। देख लें पाकिस्तान के हालात, और जिस मुल्क के ये दो जो फील्ड्स हैं वहाँ पे अगर आप अच्छी लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर पाते और अच्छा रिलीजियस स्कॉलर नहीं बना पाते, आप देखें उस माशरे का फिर वही हाल होता है जो आपके माशरे का इस वक्त हुआ हुआ है। उसी की इफ़ेक्ट आ रही है आपके घरेलू निज़ाम के ऊपर, उसी की इफेक्ट आ रही है आपके घरेलू, क्योंकि आपका मौलवी ये कहता है कि इस घर दी तपड़ी लाना, झाड़ू लाना, इस घर दे भांडे धोना सिर्फ औरत का काम है। आदमी कहते हैं हम क्यों करें, बच्चे कहते हैं हम क्यों करें। इतनी बड़ी बड़ी मैंने देखा है लड़कियां और लड़के होते हैं घरों के अंदर, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, देवर इन ग्रेड 4, 5, 6, छोड़ दें मेरे बच्चों को, मैं सेंट मेरीज ऑफ कॉन्वेंट माल्टा से पढ़ी हुई हूँ, आई वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, और जो मेरी नन थी, जिन नंस के हाथों में हम पढ़े थे, हम बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन, 4 साल की उम्र में हमें डिशेस करना, हमें अपना बेड करना, अपना बेड बनाना, हमें अपने कपड़े तय करना, हमें नहाना किस तरह सिखा दिया गया हुआ था। तो अगर एक 4 साल का बच्चा आज से
25-30 साल पहले अपने ये काम खुद कर सकते हैं, तो आज का बच्चा तो बहुत तेज है। आज के बच्चे के हाथ में तो ये जो बला पकड़ा दी है ना इस वक्त वक्त ने, उसने उसको उसको बहुत कुछ सिखा दिया है। हमारे दौरों में तो हम बड़े मासूम बच्चे थे, सेम वही टेक्निक हमारी वालदा ने यूज़ की, चाहे हम भाई थे चाहे बहनें, हम सब बहन भाइयों को घर के सारे काम आते थे। हमारी वालदा वर्किंग लेडी थी, जब हम स्कूल से आते थे वालदा आती थी हॉस्पिटल से वापस, तो हम सब मिल के काम करते थे। अच्छा, दो घंटे में फारिग हो जाने के बाद शाम की, मेरा नहीं ख्याल, मैंने हिस्ट्री में कोई घर ऐसा नहीं देखा जहाँ एक फिक्स टाइम के ऊपर शाम की चाय पे सारे घर के मेंबर्स इकट्ठे होते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने जो बात की है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, और मेरा ख्याल है ये इसकी रीजन ये जो अभी सेल फोन है, मीडिया है, सोशल मीडिया, ये भी है, ये भी है। इस बात को आप क्यों बाहर इतना ज्यादा देखो, जो हमारी माएँ थी ना खालिद, हमारी माओं को ये एक्सपोजर ही नहीं था। वो सोचती थी कि मैरिटल लाइफ ऐसी ही होती है, वो सोचती थी कि हमारी आज़ादी इसी में है कि होली सोली किचन की मालकिन मैं हूँ। वो अपनी आज़ादी इतने प्यारी चीज़ों में महसूस करते थे। लेकिन आज की औरत को फ्रीडम का डेफिनेशन चेंज हो गया, उसके लिए सोशल मीडिया ने एक्सपोजर दिया है उसको, ठीक है। और फ्रीडम की डेफिनेशन किसने डिज़ाइन की हुई है? मर्द ने। क्योंकि जो घर से बाहर की आज़ादी इंजॉय करता था, दोस्तों के साथ बैठना, सॉरी टू से वो जो कोठों पे जाना, ये इस किस्म के जो आजकल तो आदमी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है ना, लेकिन जो हमारे वालदैन का दौर था उसके बीच में वो एक बड़ी लिमिटेड सी कम्युनिटी थी जहां आदमी अप्रोच कर सकते थे और अपने वो जो भी उनकी आउटर सोसाइटी का जो मामला था वो करते थे। आदमी ने जब आहिस्ता 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 अपने आप को बाहर इस तरह की चीज़ों में इंगेज करना शुरू किया, तो डेफिनेशन या एक रास्ता, डायरेक्शन आप लोगों ने सेट कर दी कि जी आदमी ये कर सकता है, आदमी के पास फ्रीडम जो है उसकी, उसको एंजॉय करने की इजाज़त है। तो फिर औरत ने ये जानना शुरू किया इस चीज़ के थ्रू कि अच्छा हम देखें तो सही कि ये होता क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब ये नॉर्मल होते जा रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग की, इसको जाहिर बात है मैं तो इसको अपनी सोसाइटी के लिए जहर कातिल कहूंगा। अच्छा, तो इसको अब नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, कि कैसे ये दोबारा से ये एहसास सोसाइटी में हो, मैरिटल मर्द में भी, शादीशुदा मर्द में भी और शादीशुदा औरत में भी, कि ये अब नॉर्मेलिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा खालिद, मैं ना अभी थोड़े दिन पहले लकीली अपने कुछ मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ, हम फ्रेंड्स मैं उनको बोलती हूँ जो मेरे मतलब सोशल सर्कल के लोग हैं, मतलब मैं उनको अपना प्रोफेशनल जो मेरे एक्वेंटेंसेस हैं मैं उनकी बात करूँ, तो कुछ ऐसे ही लोगों के साथ मैं बैठी हुई थी, तो वहाँ पे तीन आदमियों में से दो ने कहा कि जी हम ना दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब है तड़ियाँ गर्लफ्रेंड्स हैं नहीं, यू प्लान टू नाउ get married to them, that's very good if you want to. तो मेरा first question ये था कि आपकी जो wives हैं उनको पता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मतलब वो कोई मसला नहीं होगा, हम बता भी देंगे और उनको अगर पता भी होगा तो that won't be a problem. मैं कहा बड़ी गल है, तो बड़ी वो मसला है। अच्छा फिर उन्होंने मुझे कहा कुलसाना एक बात बताओ, हमें ये करना चाहिए? मैंने कहा देखो reason पहले तो मुझे पता लगे कि क्यों ये दूसरी औरत की ज़रूरत, या ये जो बाहर आपकी जो अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड है वो डेफिनेटली शी इज़ वाइफ टू बी, अभी है तो नहीं ना, अभी तो वो गर्लफ्रेंड है आपकी, तो उस औरत के आपकी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब तक हम क्यों को नहीं पकड़ेंगे तक, उन्होंने बोला कि जी जो हमारी वाइफ्स हैं, अब ये जो ख़वातीन हैं, ये जो सेकेंड वाली वाइफ्स बनने जा रही हैं, दे आर काइंड ऑफ दी अपडेटेड वुमेन, they are more confident than our wives, they are well dressed, they communicate well, और ये सारे skills. मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर आप तो वही थे ना जब आपने शादी की थी, आप तो वही थे, तो आज भी आप वही हैं, तो ये depend ये करता है अभी तक चूँकि वो आपकी friendship में हैं और girlfriends के form में हैं, आप उनको इस तरह से बात करना की इजाज़त देते हैं, इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त देते हैं, आपको उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, तो तब्दीली आपकी बीवी के साथ प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपडेटेड नहीं है, आपको अपनी सोच को अपडेट करना है, ठीक है।
क्या आप तैयार हो कि इस औरत को जिसको आप दूसरी बीवी बनाना चाह रहे हो या जिसको आपने गर्लफ्रेंड बनाना है उसको बीवी बनाने के बाद आपको वही दौरा नहीं पड़ेगा जो दौरा आपको पहली बीवी की दफा पड़ा था कि जी तू करो बाहर नहीं निकलना, तू किसी दे नाल गल नहीं करनी, तू मेल फ्रेंड्स नहीं बनाने। तो जे तुसी यही रिस्ट्रिक्शंस उस सेकंड औरत पे भी आप लगाएंगे तो वो भी चंद दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाएगी। सो इट्स नॉट वुमेन हु नीड टू अपडेट देमसेल्व्स, यू नीड टू अपडेट योर थिंकिंग माइंडसेट। अपनी सोच को बदलो, आपकी वही पहली औरत कॉन्फिडेंस से बात भी करने लगेगी। ये कॉन्फिडेंस आपने देना है उसको। वो अच्छी ड्रेसिंग करके अगर बाहर जा रही है तो ये कॉन्फिडेंस आपने खुद ने भी फील करना है और उसको भी फील कराना है कि आई डोंट माइंड इफ यू आर वेयरिंग अ स्लीवलेस, आई डोंट माइंड इफ यू आर वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस। सो अगर तो आप अपनी सोच को बदलने को तैयार हो, वरना बेटा जी ए चार दिनों के बाद ए जड़ी गर्लफ्रेंड है ना ए भी आउटडेटेड हो जाएगी अल्लाह के हुक्म नाल। अच्छा फिर हल क्या है? हल आदमी अपनी सोच को बदले। अच्छा, इसका कॉन्फिडेंस ख्याल है कि सारे देखिए किसी हद करने वाला ये मसले की जड़ जो है वो आदमी है। ओके, उसके बीच में औरत की गलती यहाँ पे आती है कि देखिए अल्लाह ने औरत को भी कंप्लीट ह्यूमन बनाया हुआ है। अब मैं भी बीवी, मतलब 23 साल की शादी, मतलब जाहिरी बात है मैं इस रिश्ते में रही और इतने कॉन्फिडेंस के साथ रही क्योंकि मैंने जो मेरे हस्बैंड थे मैंने उनको ये ट्रस्ट का लेवल दिया कि अगर मैं घर से बाहर जाके काम करूंगी तो उससे आपके और मेरे रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा शख्स नहीं आएगा और नहीं आया। तब वो आदमी मेरा कॉन्फिडेंस बना। आज जो मैं यहाँ बैठ के इतने पॉलिश्ड अंदाज में एक पर्सनालिटी, अगर आप लोगों को जहरी बात है आपको लगा कि मैं कोई पॉलिश्ड ह्यूमन हूँ तो आपने मुझे बुलाया आज, ठीक है, तो ये क्रेडिट उस आदमी को जाता है। ये कॉन्फिडेंस उसने मुझे दिया कि आप हर तरह की बात सोच सकते हो, कर सकते हो, आप बाहर जाके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस औरत ने विन करना होता है, ठीक है। वो लोग कहते हैं जी तुसी मेरी इज्जत नहीं कर दे, गुलसाना जी तुसी ना कभी कभी बड़ी बदतमीजी कर जानते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको अपनी इज्जत करवानी नहीं आई, आपको औरत को वो कॉन्फिडेंस विन नहीं करना आया। आई एम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी क्रीचर ऑन दिस वर्ल्ड और तुम मुझे ट्रस्ट करके एक बार देखो। और फिर सिर्फ कहना नहीं है, फिर अपने अमल से उस ट्रस्ट को बना के भी रखना है। फिर चार दिन हुए नहीं, आप घर से निकले नहीं हैं, तो फिर आपने अपनी फोटोज डाल दी ना ग्रुप में तो गए फिर तुसी, फिर तो आपको हर बंदा अप्रोच करेगा। अभी ऑफ कैमरा जब मैं और आप बात कर रहे थे, मैं यही बात कर रही थी आपके साथ कि मुझे बहुत से लोग अप्रोच करते हैं और फिर कुछ देर के बाद आपको पता लगता है, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद भी आपको कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, समटाइम्स तो मुझे महीनों के बाद पता लगा कि यार ये किधर को जा रही हैं चीज़ें। तो फिर आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ बैक क्योंकि आई एम आंसरेबल। और ये बिल्कुल ठीक है कि जी आपको लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन माशरे में जिसमें आप रहते हैं, माजरत के साथ, आपको उस माशरे के नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर ये जो हालात पैदा हो गए हुए हैं वो वही सिचुएशन बनती चली जाएगी। बात को शादीशुदा जिंदगी से आगे लेके यानी डिवोर्स्ड मर्द या औरत, सिंगल पेरेंट्स दोबारा सिंगल हो गए, हाँ जी दोबारा सिंगल हो गए, लेकिन पेरेंट हैं, पेरेंट्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने पेरेंटिंग करनी है, हाँ, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे इस टास्क को? पहले आपने हमारी गुफ्तगू हुई पीछे और आपने कहा कि एक टीम वर्क बनता है फिर घर चलता है, बच्चों की जो है डेवलपमेंट, उनके मामला ऐसे ग्रो करते हैं, आप मिलकर भी करते हैं और टास्क बांटते हैं। अब जब किसी मर्द पर या औरत पर अकेले भी जिम्मेदारी आ गई है एक या दो तीन बच्चों की, और अब उसने उन्हें फीड भी करना है, बिल्कुल, सारी उसकी तालीम को भी देखना, घर की भी जरूरियात है, बिल्कुल, तो ये हाँ। कैसे मुमकिन है और ये कितना मुश्किल टास्क है? देखो खालिद, जो औरतों के लिए ना, अगर हम सिंगल पेरेंट्स एज मदर्स बात करें, उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, ओए होए तलाक हो गई, अच्छा तुम तलाक हुई हुई है, पहले तो वो कुछ महीने बेचारी उन बातों के जवाब देती रहेगी कि अच्छा क्यों हुई ये, और फिर सबसे जिस चीज़ का डिप्रेशन वो ले लेती है या जो चीज़ें उसको सुनने को मिलती हैं यही गलत होगी,
यही गलत होगी, तभी ऐसा हुआ, वरना आदमी को क्या ज़रूरत थी, अगर अच्छी खासी औरत होती तो छोड़ देता। तो पहले तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर उस औरत ने लेना है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा जो चैलेंज उसने फेस करना है वो है फाइनेंशियल, क्योंकि आपने ये भी तो एक रिवायत गलत बनाई हुई ना माशरे के अंदर के जी आदमी नहीं कमाना है, वो उस बेचारे आदमी की कमबख्ती है। वो आदमी भी घर से बाहर फिर जब भागता है तो बहुत सी टेंशन है ना, आदमी की अपनी जस्टिफिकेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी गलत है, आदमी जब घर से बाहर निकल के वो सारा जो बेचारा अकेला, मतलब पांच लोगों का घराना उस अकेले गरीब ने पालना है, तो ये कोई दौर है जहाँ एक आदमी पांच को पाले? ऐसा तो होना ही नहीं। मैंने क्या किया था खालिद, जब मैंने मतलब ये डिसीजन लिया, मैंने ये डिसीजन खुद लिया था। जब आप हाँ, जब मैं सिंगल पेरेंटिंग की तरफ आई तो मेरे तीनों बच्चों ने ये फैसला लिया कि उन्होंने मेरे साथ रुकना है। अब वो तीनों के तीनों मेरे साथ हैं, मतलब पूरा का पूरा बोझ मेरे सर के ऊपर आ गया। और यकीन जाने कि मेरे लॉयर ने बड़ा अच्छा, वो मेरा जो लॉयर है वो फैमिली लॉयर है मेरा, और वो बड़ी मतलब बहनों की तरह मेरे साथ बात करता है। तो उसने मुझे कहा कि गुलसाना जी, मैं और आप एक मीटिंग अकेले में कर लें। मैंने कहा खैर, उसी कहता है कि, मैंने कहा अकेले से व्हाट डू यू मीन ना? कहता है कि जिसमें बच्चे ना हों, और बेशक आपके कोई भाई बैठ जाए या बहन। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप मुझे बता दें आप किस टाइम आएंगे, तो आई विल मेक श्योर कि उस टाइम पे जहाँ या हम कहीं पे भी मिल रहे हैं बच्चे साथ ना हो। उसने मुझे बड़ी एक एडवाइस की, उसने मुझे कहा कि आप बच्चे ना रखें। अगर आप फादर होती आदमी होती तो मैं आपको ये कभी भी मतलब ना इस चीज़ से रोकता, लेकिन अभी मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ भाइयों वाला कि आप बच्चे अपने साथ ना रखें। मैंने कहा ये आप क्यों मतलब? उसने कहा कि अभी शायद आप जज्बात के बीच में हैं, आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल प्रेशर एक औरत के लिए कितना हो जाएगा, कि आपने घर को भी मेंटेन करना है, घर की ग्रोसरीज को भी देखना है, बच्चों की एजुकेशन को भी देखना है, फिर आपने अगर गाड़ी रखी हुई है तो बच्चों की वो जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होनी है वो भी आपको सारी देखनी पड़ेगी, फिर बच्चों की कुछ मतलब पूरी की पूरी लाइफ आपके उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा खालिद, मैंने ये डिसीजन तो ले लिया। अब जारी बात है, बच्चों ने खुद बोला था कि हमने आप ही के साथ रहना है, तो आई बींग अ मदर आई कुड नॉट से नो टू माई चिल्ड्रन। हूँ मेरे सिर ते पै गई। अब मैंने ये सोचना था कि इस मसले को डील कैसे करना है। एक तो मैंने अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं जाने दिया। मैंने अपने बहन भाइयों को पहले ही कॉन्फिडेंस में लेके ये बता दिया हुआ था कि मैं अनकरीब ये फैसला लेने जा रही हूँ इन रीजंस की वजह से। और सोसाइटी के बीच में भी जब बात हुई तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिसीजन। देखें, जब आपने एक फैसला ले लिया है या आपके साथ हो गया है, चलें अगर दूसरे ने भी फैसला लिया है, तो आप उसके मुतालिक अब कॉन्फिडेंस गेन करें कि व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, वो तो एक रियलिटी है, उसको जब तक जितनी जल्दी आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगी उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो इस कॉन्फिडेंस को रीगेन कीजिए। फाइनेंशियल प्रेशर को मीट करने के लिए मैंने ये किया कि मैंने जब ये डिसीजन लिया तो मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी वो भी 18 साल की थी। मैंने वेट किया कि मेरे तीनों बच्चे मेजर्स में आएंगे, मैं तब ये फैसला लूँगी। आपको कुछ चीज़ें सेंसिबली करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होंगे जिनमें बच्चे छोटे भी हैं, ठीक है। अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं, तो मैंने तो अपने बच्चों को फौरन कहा कि ठीक है, अगर आपने मेरे साथ रहना है तो अब आपको मेरे साथ मिलके पैसा कमाना पड़ेगा। कैसे कमाना है? रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जैसे अगर आप कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं तो मैं अपने कोई जानने वालों को कह सकती हूँ। आप अगर गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं तो आप अपना पेट्रोल खुद डलवाएंगी। अगर आप इस घर में रहेंगे तो आप इस घर के जो अखराजात हैं उनके बीच में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं, फिर तो आप अपना लीगल एक्शन ज़रूर लें ताकि वो जो हस्बैंड है, आदमी है, वो जो भी अखराजात हैं वो कानूनी कार्रवाई के उसके मुताबिक आपके और बच्चों के अखराजात जो है वो भेजे। तो आपको ये सेंसिबल मेजर्स लेने चाहिए क्योंकि आप सिंगल पेरेंटिंग पे आ गई हैं। अब बच्चे आपको घर आके आए दिन कहेंगे कि हमारे दोस्त ने हमें ये कहा, हमारे दोस्त की मामा, हम पार्टी में गए थे या हम किसी बर्थडे में गए थे, उन्होंने कहा इनके तो बाबा ही इनके साथ नहीं रहते, इनकी तो मामा को डिवोर्स हो चुकी हुई है। वो एक अलग चैलेंज है जिसको वो, तो उसके लिए आप अपने बच्चों से बात करें। आज का बच्चा इतना समझदार है कि वो आपकी बात को समझेगा, और बात करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी अगर आप एक फीमेल हैं तो जो एक्स हस्बैंड है उसकी बुराई कभी ना करें, और अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप फादर हैं सिंगल, तो कभी भी उनकी माँ की बुराई उनके साथ ना करें, क्योंकि इससे बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बीइंग सिंगल पेरेंट्स आपको
मैनेज करनी चाहिए। आदमी के लिए फाइनेंशियली इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो शादी में रहता या ना रहता, वो हमारे माशरे का डिज़ाइन इस तरह का बना हुआ है कि वो उसी ने करना था, तो उससे उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औरत को सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उसको घर छोड़ने को कहा जाता है। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जैसे मैंने शुरू दिन से जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने आप को ये बता लिया, मैं एक साल सिर्फ घर बैठी और उसके बाद मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मुझे काम करना है। अब सोचें पठान फैमिली और सात बहुएं जिन्होंने कभी घर से बाहर झांक के नहीं देखा, जो अगर घर से बाहर जाती थी तो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स तक जाती थी या शॉपिंग मॉल्स तक जाती थी, जहां वो अपने हस्बैंड्स और बच्चों की शॉपिंग के लिए जाती थी। दैट वाज द ओनली एक्सपोजर गिवन टू द वुमेन ऑफ द दैट फैमिली, ठीक है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ये बोला कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड रखा, यह आपको शुरू से करना चाहिए। आने वाले वक्त के लिए जो तैयारी है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसको पहले से करनी चाहिए, अगर तो आप सेंसिबल हैं। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे काम करना है। कहने नहीं, क्यों, किसी चीज़ की कमी है? मैं क्या, नहीं अम्मी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट बात यह है कि मैं यहाँ बैठ के कमरे के अंदर ये टीवी के चैनल्स बदलने के लिए तो सारा दिन पैदा नहीं ना हुई। अल्लाह ने कुछ तो मुझसे काम करवाना था, तो मुझे सबसे पहली सपोर्ट जो मिली वो मेरी मदर इन लॉ से मिली, और ये क्रेडिट मुझे जाता था क्योंकि मैंने उस कॉन्फिडेंस को विन करना था। मैंने उनको मनाया, मैंने उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखा। तो हमारे यहाँ लड़कियाँ आधी डिवोर्सेस की जो रीज़न बनती है वो हस्बैंड और वाइफ के खालिद अपने आपस के म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। यकीन जाने कि ये जो वो घरों में सास और नंद और लड़की के मैके की साइड से जी तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, ये छोटे छोटे रीजंस जो हैं ये फिर बड़ी बड़ी रीजंस में चेंज होते हैं, इख्तलाफात का बाइस बनते हैं, लड़ाई झगड़े का बाइस बनते हैं और फिर डिवोर्सेज होती हैं। इतने केसेस मैंने देखे हैं जहां मैं जब बीवी से बाद में बात कर रही थी तो वो कहती हैं यकीन जाने हम दोनों का आपस में तो कोई मसला ही नहीं था। हाँ, तो फिर वो जो तुम्हारे खानदान ने ये कर दिया तो मेरे खानदान ने ये कर दिया। तो इफ़ यू ऑन द इन द वेरी बिगिनिंग अगर औरत और आदमी दोनों अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, चाहे वो मदर इन लॉ के साथ है, चाहे वो सिस्टर इन लॉ के साथ है, चाहे वो ब्रदर इन लॉ के साथ है, क्योंकि हसद उठता है ना, ऐसे रिश्तों में हसद उठता है, और जब हसद उठेगा तो फिर लड़ाई झगड़े खराबी ये पैदा होगी। तो आप दोनों और मियाँ बीवी ये ज़रूर कोशिश करें कि तीसरा का ये जो तीन का हिंसा है ना खालिद, ये तो शैतान का घर है। आदम और हव्वा के बीच में जहाँ शैतान आया था ना, वहाँ सारी काया पलट गई थी। आपके अपने केस में क्या हुआ? मेरे अपने केस के बीच में हम दोनों की आपस की पर्सनालिटी क्लैश थी। हाँ, मेरे एक्स हस्बैंड मेरे पेरेंट्स के फेवरेट वो सन इन लॉ थे, मैं हाँ, हमारी अपनी एक पर्सनालिटी क्लैश थी बहुत, जो ग्रो करता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि इस रिलेशन को इससे पहले कि इस काबिल भी ना बचे कि कभी हम जिंदगी में एक दूसरे के मत्थे लगें तो हम सलाम दुआ से भी चले जाएं। तो किसने पहल की? मैंने बिल्कुल, और बड़े करीने से की, बहुत बहुत आपको टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, बहुत अदब अदाब का ख्याल रखना पड़ता है, कानून को के साथ बात करनी पड़ती है, आप यूं ही मुंह चढ़ के नहीं इस तरह से बात कर सकते। और इसीलिए वो इतना इजी हो गया था डिसीजन, क्योंकि आगे से इतनी अच्छी टॉक हमारी आपस में हुई हुई थी कि रेजिस्टेंस वाली बात हुई नहीं फिर। अच्छा, आपने कहा कि अब हाँ, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देखो आई एम नॉट द काइंड ऑफ वुमन जो तुम डिजर्व करते हो, मुझे अब अपने बच्चे मैंने पाल लिए हैं, मेरी छोटी 18 की हो गई है, ठीक है, तो मुझे अब इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैंने जितनी जिम्मेदारी आपकी और आपके घर की उठानी थी वो मैंने उठाई, और जितने अच्छे तरीके से मैं उठा सकती थी, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज या आपके अपने अंदर का टैलेंट होता है, मैंने उनको सारों को अब तक सिर्फ घर के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्या ये वजह हुई कि आपने अगर तलाक लेनी थी अपने मियाँ से तो आसानी से हो गई? क्योंकि हम तो देखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तलाक के लेने की तरफ नहीं आते मर्द या
और ईगो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करना शुरू कर देते हैं, ईगो में आ जाता है। और अपार्ट होते भी हैं तो अपार्ट होने से पहले एक दूसरे की उनकी कोशिश होती है कि बेड़ा गर्क कर दें, दूसरे को डिफेम कर दें, दूसरे का करियर, दूसरे की जिंदगी हराम करके अमन जुदा। तो ये रवैया क्यों है? इसका जवाब सिर्फ ये है कि जिन जिन लोगों ने ये किया है, जिन जिन लोगों ने ये किया है, वो सिर्फ आज अपने आप से, मुझे और आपसे ना पूछें, ना हमारी इस पॉडकास्ट से जवाब तलब करें, वो सिर्फ इतना अपने आप से जवाब मांगें कि ऐसा करने से कोई फायदा हुआ है? अगर तो हुआ है, आपने किसी किसी जोड़े को, आपकी लाइफ है, जिन्होंने एक दूसरे को जलील करके, तकलीफें देकर डिवोर्स के जो अमल है उस तक पहुंचे हो, तलाक ली हो या दी हो, तो उसके बाद उन्हें आपने सुखी या नई जिंदगी में खुशहाल देखा? देखें खालिद, जिन्होंने तो लीगल मेजर्स लिए और डिसेंटली इस चीज़ को एंड अप किया, जाहिर बात है वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, जो भी हुआ, तो वहाँ तो मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। लेकिन वही बात है कि जब फिर आप ईगो की खींचातानी में आते हैं, जब आप अना परस्ती में चले जाते हैं, आप उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे मैंने तो नहीं सुखी देखा। फिर वो औरतों को, मैंने डिप्रेशन के मरीज़ होते आदमियों को नींद की गोलियां खाते मैंने देखा। आदमी के लिए नई औरत ढूंढ लेना बहुत आसान हो जाता है, औरत डिवोर्स के बाद थोड़ा वेट करती है कि, वरना फौरन जारी बात है माशरा उसके ऊपर उंगली उठाएगा, अच्छा ऐसे लिए नू तलाक हुई सी, तो आदमी तो इमीडिएट मेजर्स जो है वो अपने ले लेता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठानी होती। अच्छा, एक बार, लेकिन सुखी नहीं मैंने देखा। वो भी जो हमारे यहाँ के नॉर्म्स हैं एज ए वाइफ, जो उसको ताबेदारी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए अपने हस्बैंड का, बिल्कुल होना चाहिए, वो रह सकती है? देखो खालिद, मेरा ना इंडिपेंडेंस नहीं आ बड़ी कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे मुतालिक कि गुलसाना आप ना औरतों के बहुत खिलाफ बात करती हैं। मैं औरत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं औरत के तौर तरीकों के खिलाफ हूँ। अच्छा, ठीक है, चार पैसे अभी कमाना नहीं शुरू करती तो इनकी वो जो है ना इंडिपेंडेंसी, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। जी, बात ये कि पैसे कमाने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप अब वो अजारादारी अपनी वो करें, वो सारा कुछ। देखें, दीन ने आपको कुछ भी है, आपको मर्द से चाहे एक स्टेप नीचे रखा हुआ है, आप उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न होगी। क्या आप ये बात मानती हैं कि कुरान तौबा नाउज़ुबिल्ला या खुदा तौबा नाउज़ुबिल्ला अगर कोई रूल बना रहा है इस यूनिवर्स के लिए तो वो गलत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आपके ईमान का खलल है, ठीक है ना। और बात फिर वही आ जाती है, वो किसी ने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि आपने मेरे ऊपर गुस्सा किया है, आप हज़रत अली का बहुत ज़्यादा मतलब उनके तालीमात को फॉलो करती हैं, तो आप तो खुद गुस्सा कर गई मेरे ऊपर, तो उनका तो कॉल है गुस्सा करना पता नहीं हराम है या क्या। वो मैंने कहा वही मौला अली ने ये भी कहा हुआ है कि रिश्तों की खूबसूरती उनको बर्दाश्त करने में, निभाने में नहीं, तो तू बर्दाश्त कर ले मैनू। बात ये है खालिद कि आदमी और औरत दोनों ने ना अपनी अपनी अलग अलग 6 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, और हम लोगों ने एज ह्यूमंस तालीमात को वहाँ वहाँ से सिर्फ उठा लिया है जितनी हमें सूट करती है। उसने गुस्से की बात उसी स्कॉलर की मुझे मेरे मुंह पे दे मारी, और जो बात उसको करनी चाहिए थी उन्हीं स्कॉलर की, वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहा था या कर रही थी। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपने आप से बात करें कि हम करना क्या चाहते हैं, हम बनना क्या चाहते हैं। तो अगर तो आप एक सरफिरी औरत बनना चाहती हैं उस पैसे के खुमार में कि अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब तो मैं इसको छोड़ भी सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी पढ़ी लिखी रीज़न टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्सन। तो अगर आप पढ़ लिख गए या आप अगर बाहर काम कर रहे हैं, तो इसका मैंने सारी ज़िंदगी घर का काम भी किया है, बच्चे भी पैदा भी किए हैं, पाले भी हैं। मेरी सबसे छोटी 7 दिन की थी, 8वें दिन आई वॉज एट वर्क, जहाँ औरतें घर की औरतें बैठ के छिले काट रही होती हैं, मैं काम पर थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने बच्चों को पालना है, इनकी आगे करनी है। मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ के माशाल्लाह से इतनी अच्छी एजुकेशन उनको मिली।
तो वो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जब औरतें बाहर के और घर के अंदर, जो मैं और मैं खालिद कैमरे के ऊपर ये बात कह रही हूँ कि आज दिन तक टिल डेट मैं जितना पैसा कमाती हूँ उसका एक रुपया भी मेरे बच्चों और मेरे घर के अलावा बाहर के किसी इंसान पे आज दिन तक मैंने नहीं लगाया, पूरी अमानतदारी से आज भी। हालांकि मेरे ऊपर अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पहले अगर आप ये सोचें कि जी हस्बैंड था वो पूछता था किधर लगाते हैं, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, अब मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चे आपको बताएंगे कि हमारी माँ की एक एक पैनी हमारी किसी ज़रूरत, हमारे घर के किसी चीज़ के लिए बच जाएंगे। वो घर की कोई डेकोरेशन पीसेस उठाने शुरू कर देंगी, वो अपनी ज़ात पे भी, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़ात को भी खर्च करने के लिए सबसे एंड पे रखा। तो ये आपने अपने आप को एजुकेट करना होता है बीइंग अ वुमन। तो इंडिपेंडेंट औरत होने का मेरी तरह या पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ सर चढ़ के नाचने लग जाऊँ, वो अनएथिकल है। बहुत शुक्रिया गुलसाना, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगु रही। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।